Hello and welcome to IC Help Academy class 8th chapter 2 linear equation in one variable. Aaj hum karenge chapter 2 exercise 2.3. theek hai, iska solve the following equation and check your results. theek hai, हम क्या करेंगे, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे एंड चेक भी करेंगे कि जो हमारा रिजल्ट आया है वो सही है कि नहीं है. फर्स्ट पार्ट दिया गया है, इसको हम सॉल्व करेंगे. 3x, ठीक है, ये 2x हम क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का साइन था यहाँ पे 2x, जब जहाँ यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा इज इक्वल टू 18. ठीक है, अब 3x में 2x माइनस करेंगे तो हम हमारे पास क्या रहेगा, 1x इज इक्वल टू 18. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसकी चेकिंग करेंगे. जो हमें दिया गया है क्वेश्चन वो हम यहाँ पे लिखेंगे, 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 18. यहाँ पे जो x की वैल्यू दी गई है, जो हमारे पास 18 आई है, वो पुट करेंगे. 3x की वैल्यू क्या है, 18, मल्टीप्लाई कर देंगे 18 से, इज इक्वल टू 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे x क्या 18 प्लस 18 3 जा 54 इज इक्वल टू 18 2 जा 36 प्लस 18 54 का 54 36 प्लस 18 क्या होएगा 54. तो हम बोलेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड क्या आई, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब हमारा आंसर क्या है, सही है. इसी तरह हम नेक्स्ट वाला पार्ट करेंगे, सेकंड पार्ट इसका, 5t 3t जो है यहाँ पे आएगा तो किसका साइन हो जाएगा, माइनस का 3t, माइनस का 5, माइनस का 3 जब यहाँ पे जाएगा तो किसका जाएगा, प्लस का 3. प्लस का 3 हो जाएगा, सॉरी, 5t में 3t को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ गया 2t इज इक्वल टू माइनस और प्लस माइनस, 5 में 3 को माइनस करेंगे तो क्या जाएगा, 2 साइन आएगा माइनस का ही. ठीक है, क्योंकि बड़े वाले नंबर के साथ किसका साइन है, माइनस का साइन है. अब 2 क्या हो रहा है, t के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे t ही रहेगा, माइनस का 2 इज इक्वल टू, जब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. ठीक है, 2 से 2 कट हो जाएगा तो यहाँ पे आ गया 1, मतलब t के आगे हमारे पास माइनस 1. अब हम चेकिंग करेंगे. ठीक है, चेकिंग में जो हमें वैल्यू दी गई है, 5t माइनस 3 इज इक्वल टू 3t माइनस 5. यहाँ पे जो t है वहाँ पे हम इसकी वैल्यू लिख देंगे, t की वैल्यू. ठीक है,
फाइव है, मल्टीप्लाई होएगा माइनस वन से, इसको हम ब्रैकेट में ही लिख लेते हैं ठीक है, क्योंकि माइनस का साइन है बीच में। आगे आगे माइनस थ्री इज इक्वल टू थ्री मल्टीप्लाई होएगा माइनस वन से माइनस फाइव ठीक है। फाइव वन जा फाइव, माइनस थ्री इज इक्वल टू थ्री वन जा थ्री, प्लस माइनस माइनस का साइन ही आएगा, माइनस फाइव ठीक है। यहाँ पे भी साइन प्लस माइनस, ये प्लस का ये माइनस, प्लस माइनस का होता है माइनस का साइन ठीक है। फाइव और थ्री माइनस माइनस के हो जाता है प्लस हो जाता है ठीक है। साइन किसका आएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, फाइव और थ्री एट, पर साइन किसका आएगा, माइनस का एट इज इक्वल टू